तो कुछ भी नहीं है, चारों तरफ ढूंढ लिए, लेकिन दीपा को ऐसा क्या लगा है जिसकी वजह से दीपा बेहोश हो गई? दीपा को हॉस्पिटल में एडमिट कर तो दिए, लेकिन अब पता नहीं वो कैसी होगी। मैं डॉक्टर को कॉल कर लेती हूँ। मेरा फोन, ओ शिट, मैं फोन वहीं पे रख के आ गई। फोन तो यहीं पे रखा था, लेकिन अब तो है ही नहीं, ना मेरा फोन और ना दीपा का फोन। इधर कोई तो है जो छुप छुप के बात कर रहा है और इंसान को लूट रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। दीपा, अब तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन ना, उस दिन क्या हुआ था तेरे साथ जो तू अचानक से बेहोश हो गई थी, क्या तू बता सकती है? हाँ, उस दिन अचानक कुछ आके मेरे यहाँ पे चुभा था और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। दीपा, तुझे पता है वो उस दिन और मुझे लगता है वहां पे कोई तो है जो ये सब कर रहे हैं और हमें ये सब पता लगाना ही होगा। हाँ सही कहा, लेकिन कैसे हम लोग ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए ना मेरे पास एक प्लान है। हाँ मैं ठीक हूँ। इसे जंगल में कुछ है, चल हम दोनों को ही ढूंढना होगा। हाँ ठीक है, चल। है नहीं निकी, कोई तो, लेकिन ये सब कर कौन रहा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब यही वो इंसान है जो ये सब कर रहा है। हाँ
तू सही बोली है। बोल तू ये सब क्यों कर रहा था? आते जाते लोगों को बेहोश क्यों कर रहा था? बोल, बोलेगा या फिर थाने जाएगा? मुझे थाने मत भेजिए, मेरे घर में छोटे छोटे भाई बहन है, अगर मैं थाने चला जाऊंगा तो उन लोगों को कौन देखेगा? और ये सब मैंने खुद के लिए नहीं किया, मेरे भाई बहन के लिए किया था मैंने। लेकिन मैं काम ढूंढने का हर जगह कोशिश किया, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं दिया, क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसीलिए। और भीख भी मारने का कोशिश किया मैंने, लेकिन कोई भीख भी तक नहीं दिया मुझे। और मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आज मैं चोरी करके ये सब करता हूँ, मेरे भाई बहन का पेट भरता हूँ। हेलो सर, मैंने जब से काम मांगा था, आप कुछ सोचे मेरे बारे में? अच्छा हाँ, तुम्हारे लिए काम तो है, लेकिन तुम पढ़े लिखे कितने हो? सर मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ उतना, लेकिन हाँ जितना आप काम बोलिएगा मैं उतना कर दूंगा। क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? तब इधर कोई काम नहीं है, तुम जाके भीख मांगो। हाँ तुमने जो भी किया वो मजबूरी में आके किया, लेकिन गलत तो किया ना। तुम्हारे वजह से ऐसे बहुत कोई लोग था जिनका फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वो लोग जैसे तैसे करके कुछ पैसे मैनेज करके इधर से जा रहे थे, और तुमने उनके सारे पैसे लूट लिए। हाँ मैंने गलत किया है, लेकिन उस टाइम मेरे भाई बहन की खुशी के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था। देखो हम दोनों तो तुम्हारा हर बात समझ गए, लेकिन अगर तुम ईमानदार इंसान बनना चाहते हो तो तुमने जो गलती किया है उसके लिए तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। और तुम टेंशन मत लो तुम्हारे भाई बहन का, हम दोनों देखेंगे, आज से हम दोनों का जिम्मेदारी होगा। और तुम जेल से आने के बाद मेरे पास एक जॉब है, तुम उसमें ज्वाइन कर लेना, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है, जब तुम लोग मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा।